वॉल के रूप में 3 मैन 10-10 के दूरी में, यानी कि 9.15 मीटर की दूरी में गेंद को रिलीज किया जाएगा। यहां पर एडविन का रिलीज लेकिन सभी ठीक नहीं और क्रॉसवार के ऊपर से गेंद चली गई शिवाय का बाहर। पहला हाफ का खेल यहां पर जनता बदवाई थी कस्टी में, दोनों ही जनता टीम में वापस में फिरते हुए, दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ियों का समावेश हुई है, दोनों ही टीमों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हुए हैं और आज यहां पर एक विकेट के माध्यम से गेंद को रिलीज करता हुआ जहां तक बात करना चाहेंगे। यहां पर एशी ब्लॉक टीम का गोल रखने की टीम के एक अनोखा खिलाड़ी, लेकिन गौरव पहले हाफ में यहां पर अपने आप को विराम देते हुए अपने आप को थोड़ी सी समय दे रहे हैं। गेंद गई तो स्लाइड से बाहर और थ्रोइंग का मौका एशी ब्लॉक टीम को टीम के लिए भी गेंद प्राप्त करते हुए गेंद को रिलीज करता हुआ जैसे बच्चा टीम के ओर से दिलीप किंडो यहां पर फिरदौस के लेकिन फिरदौस यहां पर लेकिन तब तक गेंद जा चुकी है तो लाइन से बाहर थ्रोइंग का मौका। गेंद को रिलीज किया है जैसे नंबर 11 के लिए राहुल मुखी। राहुल मुखी की अगर बात किया जाए राहुल मुखी एक गजब का खिलाड़ी है और काफी सारे टूर्नामेंट में मैंने सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम किया है। 11 नंबर जर्सी में राहुल, यहां पर राहुल के लिए गेंद थोड़ी सी समय लिया परंतु अच्छी कवरिंग के साथ खेलने का प्रयास करते हुए यहां पर जर्सी नंबर 1 पर एडविन तिर्की, एडविन का पास यहां पर फिरदौस के लिए, फिरदौस थोड़ी सी समय लिया एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद गेंद को रिलीज करना चाहिए क्रॉस, ओ माय गॉड पास यहां पर फिरदौस के लिए, फिरदौस थोड़ी सी समय लिया एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद गेंद को रिलीज करना चाहिए क्रॉस, ओ माय गॉड व्हाट अ फैंटास्टिक फिनिश, कमाल का फिनिश किया यहां पर विक्रम किस्कू। अड़ी का पैताल वासित पिस्टल लेकर गोलकीपर पर छकाव करते हैं काफी समय है मैच में कमबैक करने के लिए। स्टोरी ने स्टोरी मातकम का एक संतुलित टीम एक दमदार टीम में कहीं ना कहीं यहां पर वासित के लिए कोई मौका नहीं था, शानदार फिनिश किया विक्रम किस्कू। और इस गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कमियां रही सुरक्षा पत्ती में, सुरक्षा पट्टी में मैन मार्किंग में गलती रहा, विक्रम को मैन मार्किंग कभी खड़े नहीं किए थे और बेहतरीन फिनिशिंग पर विक्रम किस्कू का कमाल का उन्होंने गोल मारा। हालांकि समय काफी है वापसी करने के लिए सोरेन एंड सोरेन के पास भी खराब शॉट इस बार पर विक्रम के द्वारा। जी बिल्कुल 1-0 से आगे चल रही है टीम। हेलो आवेदन कमिटी मेंबर इसका तो ध्यान रखा प्लेटिक बखरा बॉल होने बजू ना ना और जहां नवा बॉल दोहरा पे उगले ना और बॉल रे बिस्कुट का ध्यान रखा बेमा ये तो बाप रे अखिल प्रथमार्ध रखे हुए पर्यंत गोटी गोल के उड़ोनी एसी ब्लैक टेल को रोटी पर्याप्त समय रही मैच रे कमबैक करवा पाई इतिमध्य रे बॉल को प्राप्त होने एसी ब्लॉक टीम पटेल को टीम रो खिलाड़ी एक पास सुरक्षा पंक्ति पाई पुणि चतुर्थ को दिख रहा अपने बॉल को रिलीज कर दी छंती सुंदर पास तो अंदर पर प्रयास किया आनंद आनंद को बॉल को प्राप्त होले सोरे एंड सोरे बात करता साथी खिलाड़ी को पाई बॉल पुणि 6 नंबर जैसे रो खिलाड़ी संजय यहां पर दिलीप का सॉरी यहां पर एडविन का शॉट लेकिन टारगेट से बाहर एडविन तिर्की। वहां से एक संतुलित टीम एसी ब्लैक टेल्को की टीम में अगर बात करना चाहेंगे राहुल कला से 3 खिलाड़ी शामिल हुए हैं एडविन तिर्की जर्सी नंबर 8 पर और दिलीप किंडो जर्सी नंबर 4 पर और साथ ही साथ राहुल मुखी जर्सी नंबर 11 पर। यहां पर एक शानदार पास अपने साथी लेकिन गुजर करना हुआ ये है टीम की तरफ से दीपू सोरेन एक
कमाल का खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं पास इस टीम के गोलकीपर। एक लोकेट की के माध्यम से गेंद को रिलीज करता हुआ हालांकि गेंद के करीब जाने का प्रयास करते हुए जसप्रीत रेट पर तैनात है आनंद, यहां पर मोमेंटम को क्रिएट करना चाहेंगे। दिलीप किंडो का क्लियरेंस, एक गगनचुंबी की खातरे को टला नहीं है, डेंजर जोन में गेंद और इसी बीच यहां पर गेंद क्लियर करते हुए बाएं छोर से आक्रमण की तैयारी करते हुए धीरे धीरे गेंद अपने पास रखते हुए और कहीं ना कहीं एक अच्छी पास देने का प्रयास। फिरदौस खान कमाल का खिलाड़ी है, टीम की तरफ से उनके भागीदारी रहती है, साथ में विक्रम जिन्होंने एक गोल दागा है और इसी बीच गेंद लाइंस बाहर। जी हां बिल्कुल, कोई यहां पर सोरेन माथकुंडा की तरफ से होगी। दीपू सोरेन आनंद ने गेंद सरकाया धनु के लिए, टीम के सुरक्षा पंक्ति के एक दमदार खिलाड़ी है, पुनः गेंद सरकाते हुए यहां पर गेंद को अपने कंट्रोल में ला नहीं पाए, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन परंतु गेंद मिली है राय सिन्हा ताकि छीना छपी के क्रम में गेंद को छीनने में समय कामयाब हुए। यहां पर लेफ्ट फुटर और एक अच्छी हेडर यहां पे पुनः गेंद को प्राप्त किया सात नंबर के खिलाड़ी टीम की तरफ से, ये बापू के लिए गेंद को डाला गया है यहां पर पुनः को मीट गोल दे रहा हरे बिना आकार दिया सुरेन एंड सुरेन बात को अपने संतुलित जिम दिलाए मैनेजर दिग्रम सुरेन को कपड़े नापाई टीम की नगुओं का और नापाई ताक रहे थे होते ओ माय गॉड रोस्ट मार रहे बोले मजाव करा नापाई ताक ताक रहे थे दिग्रम लगी थे मैं कहा खुंडी रे बोले तो कीजिए करना अभी तो वो समय मेरा गया सुरेन सुरेन बात को टीम लगी तो मैच रेखा बैठ रही है सुधरता हुआ के रूप में दिया गया यहाँ पर और इसी बीच यहाँ पर गेंद सूरज के लिए, सूरज का रिलीज उतनी सटीक पास नहीं परंतु गेंद का करीब जाते हुए यहाँ पर नौ नंबर के खिलाड़ी टीम की तरफ से तेजर पर गेंद को डिबल करता हुआ मोमेंटम को क्रिएट करना चाहेंगे, मैच में कम बैक करना चाहेंगे। यहाँ पे एक अच्छी पास, गेंद को रिलीज किया लेग टारगेट से बाहर, शुरुआती क्षण में थोड़ी सी समय लिया सुरेन माथकुंडा टीम के खिलाड़ी, एक शानदार गोल के माध्यम से 1-0 का लीड लिया है एसी ब्लैक टेलको की टीम और इसके बाद वाले मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे मैच नंबर 5 आप ग्राउंड में है यूथ क्लब जमशेदपुर वर्सेस रूसी के एफसी पुरुलिया। जी हां बिल्कुल, दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीम को तैयार रखने के लिए और जैसे इस मैच की समापन होगी आप दोनों को मैदान में इन करना होगा। गोलकीपर के रूप में गेंद को रिलीज किया गया है और एक शानदार पास, कहीं ना कहीं मौके मिल सकते हैं यहां पर मैच में कमबैक करने के लिए। गेंद होल्ड किया, दो तीन खिलाड़ी को बीट करने के बाद आक्रमणात्मक रवैया के साथ परंतु गोलकीपर टीम की तरफ से यह है विक्की तिरकी। यहां पर विक्रम सुरक्षा पंक्ति को फिट करने का प्रयास, तेज रफ्तार से यहां पर बना दिया गया कैप्टन, क्या दूसरी गोल आएंगे? जी हां बिल्कुल, और इसी के साथ टीम के तेज रफ्तार से यहां पर बना दिया गया कैप्टन, क्या दूसरी गोल आएंगे? जी हां बिल्कुल, और इसी के साथ टीम के तरफ से दूसरी गोल को दागते हुए विक्रम किस्कू जाए जय मीटर मैच के एकदम दम दबाव आते भरा गोल की तरह होगा सात नंबर के जर्सी के खिलाड़ी साथ देता हुआ चक्का का खेल क्या कहना चाहेंगे होपना जी विक्रम की अगर बात की जाए बहुत ही स्किलफुल
या बर्बरी गोल करके मैच को जीत पाएंगे, बस सौरन एंड सौरन टीम की खाड़ी देखना होगा। हालांकि अब तक दो गोल से आगे है प्रवास जी इसी प्लेट टेल को की खाड़ी जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी समय है, टीम में कैपेबिलिटी है, टीम में काबिलियत है। सौरन एंड सौरन बात को एक दमदार टीम है, एक संतुलित टीम है, कहीं ना कहीं मैच में कमबैक करना चाहेंगे, गोल दागर के वापसी में आना चाहेंगे, अपने कैपेबिलिटी एफिशिएंसी और टैलेंट को भी करना चाहेंगे। सौरन एंड सौरन बात को टीम के खिलाड़ी अगर बात करना चाहेंगे सुरक्षा पंक्ति में धनु सौरन का, वही अगर बात करना चाहेंगे आनंद चुड़ू का, अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी के तौर पर बापू मुर्मू और मेघराय मुर्मू ने अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन अभी तक अपने चिराचरित यानी कि नेचुरल गेम को दर्शाने में नाकामयाब रहे हैं सौरन एंड सौरन बात को टीम के खिलाड़ी। तो वही है बैक पास यहाँ पर आनंद के लिए, आनंद एक जमीनी पास प्रदान करते हुए सुशांत के लिए, सुशांत 10 नंबर की जर्सी में टीम के तरफ से, और सुशांत टुडू टीम की ओर से एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और सुशांत टुडू की अगर बात किया जाए स्कोरिंग जोन के खिलाड़ी है सुशांत, उन्हें कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से खेल को दर्शाना होगा। मैं इसमें काफी करेंगे सुशांत के लिए, लेकिन कंट्रोल से बाहर यहां पर पुनः विक्रम क्या हैट्रिक को अचीव करेंगे। विक्रम गेंद को ड्रिबल करता हुआ गेंद को होल्ड किया, थोड़ी सी समय